नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सहसावरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वंदे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंदकुंदाचेव जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् प्रगटे निज अनुभव कर एक अनुसत्ता रूप सब ज्ञाता लगते नमो समय सार स्वरूप सिद्धांत में से आचरण का ग्रहण करना चाहिए। आत्मा की अतिरिक्त विश्व में कुछ भी सुंदर नहीं है, तो जिसे जिसे हम सुंदर मानते हों वो मान्यता पर चोट डालना चाहिए, हथौड़ा मारो उसको, घन पटको। आत्मा के अतिरिक्त जिसे हम सुंदर मानते हैं, जिसे चाहे ये कपड़ा सुंदर है, चाहे भोजन सुंदर है, क्या हमारी लेखन सुंदर है, हमारी शैली सुंदर है, हमारा ज्ञान सुंदर है, हमारा जीवन सुंदर है, जितना भी जो जो मानते हो, हमारा महल सुंदर है, हमारा बगीचा सुंदर है, हमारा काम सुंदर है, अरे रे प्रभु ऊपर ऊपर मत निकालो भाई। एक किसान भी पहले पाड़ बांध लेता है पानी के लिए, पानी रोको बहाव मत, तब वह खेती करने में समर्थ होता है। यदि उसका संग्रह करना नहीं सीखोगे तो कल क्या करोगे, क्या करोगे? आंखों का ठिकाना नहीं, कानों का ठिकाना नहीं, शरीर का ठिकाना नहीं, कब जवाब दे जा, क्या करोगे? रोगे बैठ करके, फल चाखन की बार भरे द्रग मरे मूरख रोग, एक शब्द बोलने के लिए तरसोगे, आवाज नहीं निकलेगी, क्या करोगे? अभी चुप है, चुप्पी साधो है, एक शब्द बोलने के लिए लोग तरस जाते, सुनने के लिए तरस जाते, एक बूंद पानी निगलने के लिए तरस जाते। नसीब में मत रहो भाई, नसीब में मत रहो, अभिमान से मत करो, जो करना है विवेक से करो, यत्नाचार से करो, आत्महित की दृष्टि से करो। क्या मान बैठे हम, हमारा गला सुंदर है, हमारी लय सुंदर है, हमारी क्रियाएं सुंदर हैं। जैसे मोह की तीव्रता वाला जी है, महल मकान वैसा वैसा, ये हमारा लड़का सुंदर है, हमारी लड़की सुंदर है, बहू सुंदर है, शरीर सुंदर है, अरे बस ये मानता रहता है। ऐसे ये थोड़ा सा स्थूल पाप क्रियाओं से विरक्त होकर के पुण्य मांग, हमारी शैली सुंदर है, हमारा ज्ञान बहुत सुंदर है, हमारी क्रियाएं सुंदर हैं, न जाने कहां से ये अहंकार आ जाता है। प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा तो आएगा, निश्चित आएगा। वेद ज्ञान अगर नहीं करोगे तो अहंकार आएगा। आत्मा सुंदर है, वो सुंदर ही रहेगा, लेकिन तुम्हें वो सुंदरता का लाभ नहीं है कुछ। आत्मा का सौंदर्य देखने योग्य है, विचारने योग्य है। आत्मा के सौंदर्य को देखेगा, विचारेगा, पर के सौंदर्य पर चोट मारेगा, नहीं नहीं ये देखने लायक नहीं, मान लिया हमारा जीवन बहुत सुंदर है, बस मान लिया। ब्रह्म को जो पहचानता है वह ब्रह्मचारी हो सकता है, और नहीं तो ब्रह्मचारी है ब्रह्म है। कल्पना लोक में विचरण कर रहे हैं, कल्पना कर करके, जैसे कोई टोटमल जी ने दृष्टांत भी दिया है, आयुर्वेद का दृष्टांत है, सन्निपात का रोगी रोते रोते हंसने लगता है, ऐसे ही जो भूताभिष्ट व्यक्ति है वो रोते रोते बीच में एकदम हंसने लगता है,
ऐसे ही कुछ कल्पना करके अपने को सुखी मानने लगता है, मगन हो जाता, वाह बहुत बढ़िया आनंद आ गया। बेटा जो पहाड़ बांध ले हो, हमने नहीं होनी, पानी बहेगा क्या कर लो, नहीं मानी, कल तुम ही भूखन मरोगे। तुम्हारे खेत में कुछ नहीं होगा, पड़ोसियों के खेत में फसल होगी, तुम ईर्ष्या करोगे, क्या मतलब निकलेगा। सुखी जीवों से ईर्ष्या करने से पाप होता है, सुखी जीवों को देखकर ऐसा ही सुख हमें हो ऐसी भावना करने से थोड़ा सा पुण्य होगा, लेकिन सुखी तो नहीं होगा। अनंत सुखरूप परिणमित भगवान वितराग सर्वज्ञ देव, उनकी पूजा से भी सुखी नहीं होगा, सुख का मार्ग मिल सकता है, क्यों देने लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम कितनी बार हम नहीं समझा सकते, अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, लेकिन नहीं समझा पाएंगे जब तक तुम समझने के लिए कमर नहीं कसोगे। समझाने वाला समझावे, समझने वाला समझने के लिए तैयार हो, बात बन जाए, लेकिन हम समझने तैयार नहीं, हम गलत को सही माने बैठे हैं, हम तो ठीक तो कर रहे हैं और क्या करें बता, अभिनय को विनय माने बैठे हैं, प्रमाद को सुख माने बैठे हैं, क्रियाओं को धर्म मान करके बैठे हैं, इस छह समय के इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मान करके बैठे हैं। जरा कोई कुछ नहीं कहता, जरा पूछता तो उसको अपना बड़ा, हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है, हमें सब पूछते हैं, हम मान करके बैठे भ्रम में बैठे। टूटरमल जी कहते हैं भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। हमें सुख होना चाहिए, लेकिन कैसे हो ये तो सोचो। कैसे हो इस बात को सोचो। हमें प्रवचन मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिले बोलो, तुम कुछ नहीं कर सकते, सचमुच नहीं कर सकते, सही बात है, कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, 100% सही है, लेकिन याद रखना इन परिणामों का फल आएगा तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देवी देवता भी नहीं कर पाएंगे, मंत्र तंत्र नहीं कर पाएंगे, पूरा पूरा परिवार नहीं कर पाएगा, तुम्हारा पैसा नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े अधिकारी, यह पाप का उदय ऐसी तरफते हैं, कोई कुछ नहीं, डॉक्टर साहब बचाओ, वो उधर से आया बचाओ, कुछ नहीं कर पाता कोई, हम क्या कर सकते हैं, वह बताओ हम क्या करें। ये मजाके नहीं है, मजाके नहीं है। देखो व्यवहार परमार्थ में से निकालना चाहिए, परमार्थ को छूटा हुआ व्यवहार होना चाहिए, या तो स्वरूप में लीन हो जाओ, नहीं तो व्यवहार से उपदिष्ट है, व्यवहार करना है। जहां आत्मा सुंदर है तो व्यवहार लगाओ, परमात्मा सुंदर है। इस जिन मुद्रा के अलावा कुछ भी देखने लायक नहीं है। गंदा आदमी जहां साफ जगह को भी गंदा कर देगा, गंदा आदमी को तुम्हारा बढ़िया संगमरमर का महल दे दो, चार दिन में गंदा कर देगा। बच्चे को नया कपड़ा पहना दो, एक दो घंटे में मैला कर देगा पूरा। ये कपड़े का दोष नहीं है, ये कपड़े का दोष नहीं है, माताएं परेशान होती है, नया कपड़ा पहनाया और उसने जाकर के बोल बात जी खत्म मामला दूरा भर में। सो
स्वच्छ पानी आया और गंदगी में से बया गंदा हो गया पानी, ऐसी स्वच्छ उपदेश भगवान जिनेन्द्र देव का गंदा हो जाता है। इसमें से स्वच्छंदता कहां से निकल आती है, ढीठता कहां से आ जाती है, प्यार से हैं, सही समझो और सही समझा, बड़ों से समझो छोटों को समझा, बड़ों से समझोगे तो आराधना कर सकोगे और छोटों को समझाओगे तो प्रभावना कर सकोगे। बहुत वात्सल्य चाहिए, वात्सल्य के लिए बहुत निसंगता चाहिए। परमार्थ के साथ में व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार में से परमार्थ निकालना चाहिए, व्यवहार परमार्थ के लिए होना चाहिए। निरपेक्ष नया मिथ्या, परमार्थ से निरपेक्ष व्यवहार मिथ्या है। और व्यवहार शून्य परमार्थ की चर्चा मिथ्या है। छोटी छोटी पुस्तकें बच्चों की स्कूल में पढ़ाई जाती हैं और फूलों से मुस्काना सीखो, माने सीखना है तो इनसे सीखो, फूलों से सीखो, कितनी छोटी जिंदगी कैसे होता है, कांटों के बीच में कैसे, चींटियों से गिरते निराश होना मत सीख, आशावान रहना सीखो, गिरती है चढ़ती है, गिरती चढ़ती है, श्रम सीखो, सहयोग कोऑपरेशन सीखो, इतना बड़ा कीड़ा और इतनी इतनी सी चीटियां 10 लग गई और सरका के ले गई पूरी बुल, इतना बड़ा मिश्री का डला सरका करके ले गई 10, कुछ नहीं हमारा, कोई है ही नहीं हमारा, हमारा तो शरीर है परिवार है बस, मोह को निर्मोहता समझे बैठे। हम ये पूछते हैं निर्मोही जीव को ये कैसे लग सकता है, ये हमारा बेटा है, वो हमारा लड़का, हमारा भाई, हमारी बहन, ये फिर निर्मोही को ये लग कैसे सकता है भीतर में, उस बेटे का नफा नुकसान, अपना नफा नुकसान कैसे लगेगा। और आश्चर्य की बात है हमारा साधर्मी कभी नहीं लगता, हमारा साधर्मी वहां भी होगा तो खुश करने की बातें होंगी केवल, ये खुश हो जाएंगे। अरे भाई भगवान खुश और नाराज नहीं होते, भगवान के भक्त भी खुश और नाराज नहीं होते, केवल दिखावा से प्रदर्शन थे। खुश रहने के लिए करो, खुश करने के लिए कुछ भी मत करो, जगत को राजी करने में, खुश करने में अनंत भाव खोए। और ये बाप भी चला जाएगा, द्रव्यानुसार चरणम असवेरे की स्वाध्याय कर रहे थे, द्रव्यानुसार चरणम चरणानुसार द्रव्यम, क्या अर्थ है ये, आज नहीं हम बहुत दिन से कह रहे हैं, पंडित जी तुम क्या भाई हो, हमने सब भाई भाई तो हैं, कौन दुश्मन कौन है ये बता, नहीं सगे पूछ रहे, अरे सगे नहीं तो कहा जिनवाणी माता है और अंत पिता है, सगे नहीं है तो कहा बेसगे है, शरीर के संबंध से सगे और बेसगे हो गए बस, आत्मा का कोई संबंध नहीं है, तात्विक कोई संबंध ही नहीं है, ये लड़का का करने जैसे हो तैसे हो जाओ, जो करने सो करे हो, और ये अपना लड़का है, भारी वाह भारी मोह, मोह को निर्मोहता माने बैठे, क्रोध को क्षमा मांगने बैठे,
भीतर भीतर जल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं कह रहे तो करो, बस क्षमा पाना, बड़ी क्षमा। भोजन करते समय परिणाम बिगड़े तो भोजन छोड़ दो जीवन भर के लिए, करो ताकत लगाता परिणाम बिगड़ जाते, इसलिए हम छोड़ दिए भोजन, करो नहीं नहीं वो तो साहब मजबूरी है। अल्लाह बढ़िया, कथा छोड़ेंगे संबंध नहीं छोड़ेंगे, कथा छोड़ेंगे धर्म कार्य नहीं छोड़ेंगे। आत्मा बुलाने लायक नहीं है, ये तो परमार्थ हो गया, इसके साथ है ये परमेश्वर बुलाने लायक नहीं है। भूल गया जो ईश्वर है, जो ईश्वर को भूल गया है वह सच्चा इंसान नहीं। लेकिन बंद का मतलब आत्मा के बिना, जो परमात्मा को, परमात्मा के बिना आत्मा को जो जानना चाहता है वह अभिमानी है, और आत्मा को जाने बिना परमात्मा बनना चाहता है वह क्या कहूं, अभी परमात्मा का भक्त नहीं बन सकता, आत्मा क्या परमात्मा क्या बनेगा। इन गुरुओं के शिष्य बन जाए यही बहुत है, गुरु बनने की बात तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इन गुरुओं के शिष्य बन जाए, भगवान बनने की बात तो बहुत दूर है, पहले इनके भक्त ही बन जाए, इनकी भक्ति हो जाए, भगवान बनना तो बहुत सरल हो जाए। आत्मा सबसे सुंदर है, है और है, नहीं माने तो उसके लिए भी है, माने तो वो धन्य हो जाएगा, लेकिन आत्मा सबसे सुंदर है, नहीं माने उसके लिए भी सुंदर है। अंतर यह है जो आत्मा को सुंदर नहीं मानते, सुंदर नहीं समझते, वे दुखी होते हैं। जब आत्मा सुंदर है तो आत्मा को बताने वाला जिन शासन भी सुंदर होगा। कितना सुंदर, कितना सुखमय, अहो सहज, वह अहिंसा भी सुंदर होगी, सत्य भी सुंदर होगा, आचौर्य सुंदर होगा। झूठी साची बातें अच्छी नहीं होती, सत्य सुंदर है, आत्मा है वो। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? परमात्मा को समझे बिना आत्मा समझा नहीं जाता, और आत्मा को समझे बिना परमात्मा बना नहीं जाता। आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। परिणति को स्त्री की तुलना देकर के एक बात कही थी, बोलो, परमात्मा हमारे पिता के स्थान पर है और आत्मा पति के स्थान पर। जो अपने आप अपनी शादियां करते हैं, क्यों भैया बूढ़े लोग बोलो, जो पसंद आई अपनी कर ले, जात बिरादरी सिखा लेने, पढ़ाई पढ़ाई अपनी हो गई, बस वही बातें हो गई। अब जो बता उनको क्या कहोगे आप? सील कहेंगे, कुशील कहेंगे, निंद कहेंगे, प्रशंसा नहीं कहेंगे? अरे शादी मैंने कर ली, पसंद आ गई अपने को, बस हो गई बात, बातें हो गई, सब पसंद हो गया, बहुत तय हो गई शादी। अरे क्या कहें, हमारे यहाँ की तो संस्कृति है, मैना सुंदरी ने कहा पिताजी हम अपने मुंह से नहीं कह सकते, आपसे बड़ा हमारा हितैषी कौन होगा? आप जिसे देंगे उसको सोच समझ कर उतना हम देख पाएंगे? हम अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं ले सकते, पति का चयन नहीं कर सकते, और फिर हमारा भाग्य। कल एक पुस्तक थी उसमें वो उसके लक्षण आकर के फिर भाग्य प्रमाण ही आ गया। कन्या का वर देखने के लिए, वो मनोरमा का वर देखने के लिए वो जा रहा है ना पुरोहित, तब वो सेठ जी कह रहे हैं कि देखो जा करके, तो सेठानी उसको संकेत दे रही है, क्या देख, क्या क्या देखोगे ये तो बता
ये 12 करोड़ का हार दे दिया तुमने, जैसे तो पैसा दिखाई दे जाए, वो पैसा बार हुए तो 12 करोड़ पकड़ा देगा तुम। लेकिन और क्या देखोगे? कुल देखना है, शील देखना है, रूप देखना है, योग्यता देखना है, व्यवहार देखना है। सुग्रीव बाहर गया और सासगति सुग्रीव का रूप बना करके भीतर महल में आ गया। ये बताओ सुतारा ने कैसे पहचाना ये हमारा पति नहीं है? रूप तो एक सा दिखाई दे रहा था ना, सुतारा ने कैसे पहचाना ये हमारा रूप पति नहीं है? उसका व्यवहार पति जैसा नहीं था, इतनी लंबड़ता पति में तो नहीं थी। हमारा पति इस तरह की चेष्टाएं नहीं करता था, ये हमारा पति नहीं हो सकता। और सौभाग्य की बात, तब तक वो अंतर में दृढ़ता है, अंतर में सील है, तो उसकी रक्षा के निमित्त भी बन जाते, पति भी आ गया था हमने। अब दोनों इकट्ठे हो गए और दोनों एक से लग रहे, झगड़ा होने लगा, हमारे घर में तू कैसे घुसा, तू मेरे घर में कैसे घुसा, मेरी स्त्री को अपनी कैसे कहता, तू कह, वो कहता मेरी स्त्री को अपना कैसे बताता। झगड़ा पहुंचा सुमंत्री निकलो बाहर दोनों, जब तक निर्णय नहीं होगा एक भी मैल में नहीं घुसेगा। तो हम ये पूछ रहे हैं, देखना क्या देखना है? कुल देखना है, सील देखना है, रूप देखना है, स्वास्थ्य देखना है, योग्यता देखना है, व्यवहार देखना है। और उसके बाद काव्य, संस्कृत का काव्य, उसके बाद भाग्य प्रमाण। उसके बाद भी अगर कन्या दुखी होती तो फिर उसका भाग्य हम क्या करेंगे बता? अब गुस्सा में पौपाल ने नहीं देखा कोड़ी, उसके बाद पटरानी बनती है तो मैना का भाग्य? जो ये कहता है मैं तेरा भाग्य देखना चाहता हूँ, हमें तुम्हारा भाग्य ही देख रहे हैं, उसे ये सोच लेना चाहिए आगम वचन कि भाग्य को तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक तू कथा में मन न हो। जब तक विशुद्धि लब्धि नहीं हो तब तक भाग्य क्या होता है समझ में नहीं आता। लोग कहते भाग्य क्या होता है, और फिर कुछ देखते तो कहें हाँ भाग्य होता तो है। कोई एक डॉक्टर आंख का डॉक्टर था, तो बूढ़े बाबा जी थे, उनकी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो बिन्ने कही देखो हम दवाई नहीं खाएंगे, इसीलिए तो हम जैनों का ऑपरेशन नहीं करते, नहीं खाओगे तो मैं क्या करूं? कंपाउंड साहब देखो अब जो है सब, खैर उसका ऑपरेशन हो गया, चल दिया। दूसरे दिन वो उसने उठे और अपने मंदिर हो गए, भाई तुम मानते नहीं हो तो मंदिर चल। कोई बात, जब पट्टी खोली तब तो 4-5 दिन में खुलती थी, जब पट्टी खोली तब वो डॉक्टर कहते यार होता तो है धर्म कुछ, तेरी आंख बहुत बढ़िया बनी, धर्म कुछ होता तो है, सच्ची घटना है, अब तो भी शांत ही हो गए बेचारे, होता तो है कुछ बात। पहले कहते धर्म क्या होता है, भाग क्या होता है, और जब उसने देखा हाँ होता तो है, होता तो है। दोनों अज्ञान है ये बातें। जब तक ये जीव के परिणाम में कोमलता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आगम का स्वाध्याय नहीं है, तब तक भाग्य क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, भवितव्य क्या होता है, निमित्त क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता। पुरुषार्थ और उद्यम के नाम पर अहंकार में डूबता है, मैं चाहे जो कुछ चाहूं उसको कर दूं, ये मैं ही कर रहा हूं सो रहा, इसका नाम उद्यम नहीं है। उद्यमी जीव शांत होता है, उद्यमी जीव बहुत मंद कसाई होता है, विशुद्धि होती है, है? जितना सांस नहीं पढ़ पाते हम, देखो विशुद्धि होती है। पाप परिणाम का, अशुभ परिणाम का शुद्धोपयोग के साथ कोई संपर्क ही नहीं है,
कोई संपर्क नहीं है, जो क्रूर है, कठोर है, कुटिल है, तृष्णावान है, लोभी स्वार्थी है, वो जीव सुदुपयोग का पात्र भी नहीं है, कोई संपर्क नहीं उसका, उसके साथ मित्रता भी नहीं हो सकती। सुपयोग सुदुपयोग का सहचर है और अशोपयोग का उससे कोई संपर्क नहीं, अत्यंत इसलिए उसे अत्यंत ही कहा है। भगवान आत्मा सुंदर है तो जहां जहां आत्मा है वहां सब सुंदर है, जिस ज्ञान में आत्मा है वो ज्ञान सुंदर है, जिस आचरण में आत्मा है वो आचरण सुंदर है, जिस श्रद्धा में आत्मा है वो श्रद्धा सुंदर है, जिस क्रिया में आत्मा होगी वो क्रिया सुंदर है, बहुत सुंदर है। आत्मा को अंतर अपना तो होगा, आत्मा का एक अर्थ अपना भी होता है, जब अपनत्व से बहुमान से कोई क्रिया होती तब वो बात ही अलग होती है। तानसेन बहुत बड़ा है, वो संगीतकार था, कौन था, गायक था, है बहुत बड़ा गायक था। तो अकबर ने कहा तुम्हारे गुरु को देखना, गुरु जैसा तुम नहीं गा सकते कि नहीं हम नहीं गा सकते, क्यों, क्या गुरु भगवान के लिए गाते हैं, हम तुम्हारे लिए गा रहे, तुम कहां भगवान, गुरु यहां नहीं आ सकते, तुम्हें अगर गुरु का संगीत सुनना है तो चलो मंदिर में चलो, भक्ति कर रहे होंगे तुम्हें सुनवा, कैसे कैसे जाएंगे फिर कि तुम भाई वो बन जाओ सेवक, तो सेवक बना लिया और उसको बैठ लिया गया और जाकर के उसने कहा, फिर उसने कहा तानसेन गाओ, सुने कहा क्या तुम गाते हो, अरे गुरु महाराज आप ही गाओ, तो गाया और घूमने लगा, अब वो एक दूसरे की ओर देखे, सुने कहा क्या हो, सम्राट को सेवक बना के लाया है, कैसे जान रही कि तेरी दृष्टि अलग है उसकी दृष्टि अलग, धन्य हो गया, वह संगीत सुंदर होगा जिसमें आत्मा हो। ये गाथाएं बहुत सुंदर है, ये पूजा बहुत सुंदर है, ये छंद बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें आत्महित की बात है, आत्मा तो सब में नहीं है लेकिन आत्महित की बात है, इसलिए सुंदर है। और विवेकी जीव जो हितकारी है उसे ही सुंदर जानते हैं, जो हितकारी नहीं है उसकी सुंदरता कोई कुछ ग्रहण करने लायक नहीं है। ग्रहण करना जानो भाई, ग्रहण करना जानो, तो ज्ञान में से चारित्र आता है। कैसे आता है कि जब अपने को आत्मा समझा जाता है तो सब आत्मा दिखाई देते हैं, संसार असार दिखाई देता है, विषय भोग दुख रूप दिखाई देते हैं, तो उनके लिए जो होने वाली परिणामों की कठोरता थी, हिंसाधिक पाप थे, वे छूट जाते, तब अहिंसाधिक भाव स्वयं होते हैं, तब व्रत पालने नहीं पड़ते, व्रत पालते हैं और पालने का संकल्प भी होता है। पूंजी होती है तो व्यापार की मन में होती है, जब पूंजी ही नहीं है व्यापार कैसे करें, एक फैक्ट्री लगा ली कैसे लगा ले, हमारे भैया वो पंडित जी वो जमीन खरीद ले, हम पंडित जी जमीन खरीद का करें, पैसा हो तब सब बातें हैं, पैसा नहीं है तो जमीन कैसे खरीद लेंगे, ऐसे ही ज्ञान वैराग्य जब भीतर में होता है, आत्मा हित की भावना होती है, तब ये सारी क्रियाएं होती हैं, तब संयम धारण करने की भावना होती है, पैसा हो तो हम इनसे कहें सदा कोई जमीन बताइयो, कहीं सोनू का वाह कहीं, अरे अब सोची पैसा फालतू रखो, कुछ ले जमीन ले लो सोनू कुछ बढ़िया, अब है ही नहीं तो कहें का ये बता, जब है ही नहीं तो क्या कहेंगे। ऐसे ही जब ज्ञान आत्मा हित की भावना नहीं है, प्रेरणा नहीं है अंतर में, तो हम कहेंगे का हे स्वामी हमको ऐसा व्रत दो, हे प्रभु हमें परमात्मा का प्रकाश करो, हे प्रभु हमें बताओ कुछ, कहें काय को कहेंगे, देने वो दे दे, नहीं देने वो नहीं दे दे, करने वो कर दे, नहीं करना मत कर दे। आज के बच्चे ऐसे ही हो गए, हम कह रहे
इनकी बात नहीं, बच्चे ऐसे ही हो गए। तो मैं क्या कहूँ देना, हमें तुम्हारा पैसा, हमें नहीं देनी तुम्हारा पैसा, और देन देंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं वो है तो हमारे, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तुम क्या समझो, तो मंदिर नहीं गया, तुम कछ नहीं करते, हम तुम्हें कछ नहीं देंगे, मंदिर हो मंदिर हम नहीं जा रहे। ऐसी बातें होती है। अरे प्रभु, विचारना, समझना, समझना थोड़ी सी भीतर घुसने दो भाई, घुसने दो। मैं खिड़की खोल ले, गर्मी बहुत है, बहुत दुख है संसार में, थोड़ी सी खिड़की खोल लो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रे जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख से, नीचे ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा जीत हूँ धो।